आज घर में सबका व्रत है, सारी लेडीज का। आज है होली अष्टमी, बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है, करवा चौथ होता है ना, तो बच्चों के लिए व्रत होता है, पर ये पूजा के बाद खुल जाता है हमारे यहाँ पे। अभी सब खुलने में लगे हुए तो इतने व्रत खुलता है, तो मैंने सोचा क्यों ना सबके लिए चाय बना दीजिए, सारी लेडीज के लिए 5 कप चाय बनानी है। मैंने कभी जिंदगी में चाय पीनी है, मुझे बनानी भी नहीं आती है। चाय ने इंस्ट्रक्शन दी है, उसको फॉलो करते हैं, चाय बनाते हैं, देखते कैसी बनती है। एक दो बार कोशिश की है, उस टाइम अच्छी बनी थी, पर 5 कप मैंने कभी जिंदगी में नहीं बनाई। मैं जल्दी से चाय बनाऊँ, इससे पहले उनका व्रत खुले। भाई मेरे से कोई रेसिपी मत पूछना, मुझे नहीं आती ढंग से बनानी। मैं बना भी सकता हूँ तो एक आधी चाय कप बना सकता हूँ, इससे ज्यादा मुझे नहीं आती बनानी। मैं एक सेकंड के लिए गया था, चाय निकल गई मेरी। इस दुनिया की सबसे फास्टेस्ट चीज क्या होती है, एक बच्चे का हाथ सामान पकड़ने के लिए, चाय निकलने के लिए मेरी निकल गई भाई चाय। ये देख लो, पहले काम कम करना था और काम बड़ा हो दिया। एक सेकंड नजर हटाई थी बस मैंने, इतने में चाय निकल गई। यार देखना क्या हालत हो गई, स्लैब की गई चाय। पर अब बड़े हो गए ना, घर वाले से डांट नहीं पड़ेगी इस चीज के लिए कि मैं खुद ही साफ कर दूंगा। की चाय बन गई है, टेस्ट कर लो, टेस्ट की। इसको क्या हो गया, क्या हो गया, इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, ये देखो जिद इसकी, तेरे पद चिन्हों पे चल रही है, ये जीगू बिगाड़ रहा है इसे। वही तो पहले आया, ये जानू से करके दिखा रही है कि मम्मी भी बताइए एक्सपेक्ट करती हैं, समझे, यही एक्सपेक्ट करती है। बाकी तो बड़ा कितनी सेवा कर लो, कितने पैर छू लो, इतना ही काम है। तुमने देवी माँ को देखा है? माँ कहते हैं चटकीला सूट मिला पहनोगे ना, पहनो तो ये वाली बहुत हाजिर है। माँ किसी को दे सकती है, ये जो देता ना उसको दे सकती है। हाँ तो कोई बात ना, क्या कर रही है माँ, सेल्फी ले रहा है, माँ सेल्फी के चाय ठंडी हो रही है। माँ मैंने बनाई है 5 कप, बनाई थी 5 पर 4:30 हो गई। ये हर ओकेशन में पैसों का मतलब होता है, मुझे समझाओ, बड़ा मजा आता है ये पैसों वाला। अब चाय टेस्ट करो, आ जाओ जल्दी, आ जाओ चाय टेस्ट कर लो, फोटो करा लेना, मेरी चाय ठंडी हो रही है, उसमें मलाई आ जाएगी। अरे भैया वो बनाई थी 5 कप और एक बह गई ना, निकल गई। माँ भी है ना, बाहर निकल गई। टेस्ट करो, टेस्ट करो, टेस्ट करो, बड़ी ले लेते, पतीला भर के बना दूं। मस्त है ना, पर अब दोबारा दोबारा उम्मीद मत रखना, टेस्ट करो बेटा। मैं थोड़ी हूं, मैं सर, टेस्ट तो करो, बताओ कैसी बनी है। अरे टेस्ट तो करो, बड़ी बनी है, पर दोबारा नहीं बनेगी ऐसी चाय कभी जिंदगी में। ये पहला और आखिरी स्वाद है जो ले रहे हो, इतनी बढ़िया चाय का, ठीक है। यार मतलब आई एम अ गुड, वो कहते हैं गुड लर्नर, कि मैंने इतनी जल्दी एक अच्छी चाय बना दी और मैंने चाय कभी टेस्ट नहीं की, मुझे पता नहीं चाय का टेस्ट होता कैसा है, जुबान पे भी आज तक कभी टच नहीं की है। लोग कहेंगे मजाक कर रहा है, पर मैंने सच में कभी बचपन में भी टेस्ट नहीं की। नहीं जल्दी आओ, ये माय शो का ब्लॉग चल रहा है, चाय टेस्ट करके बताओ कैसी है। ये झूठी, ये ताई की है, ये ताई की है, ये ताई की है आपकी ओर ही। अब उसको और कहां तक भरूं भैया, कप को, कप ही छोटे हैं। बढ़िया ना, ये माँ की है, माँ जी की चाय दे दो, ये चाय आपकी है। सुबह जो हुई बहुत अच्छे नोट पे, सुबह मतलब माइंग ने अपने हाथों से चाय पिलाई और क्या चाहिए, और अच्छी चाय बनाई थी, तो ब्रेकफास्ट डन। और अब मैं निकल रही हूँ मार्केट के लिए, क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा है, घर में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। भाभी भाभी की जस्ट अभी डिलीवरी हुई है, सोनी भाभी की, तो मैं कल रात ही घर वापस आई हूँ। बट आना भी क्या है, सिर्फ काम का है, क्योंकि बस 2-4 दिन जब तक वो हॉस्पिटल से घर नहीं शिफ्ट होती तब तक अप एंड डाउन रहेगा, उसके बाद फिर मुझे घर भी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे की छुट्टी, फिर भाभी को भी क्योंकि देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे उलझी रहेंगी। घर में आपको पता ही है प्रियांशु की शादी है आने वाले दिसंबर स्टार्टिंग में,
समझ लो या नवंबर स्टार्ट, नवंबर एंड से फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल वक्त नहीं है कि चीजें खरीद पाए शॉपिंग के लिए, अभी तक आउटफिट नहीं देखे, 5-6 आउटफिट्स हैं, तो इसलिए मार्केट जाना बहुत जरूरी है। और फिर टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि कामाक्षी को भी ना से सैटरडे संडे ही ऑफ मिलता है, तो हम सबको जाना था। भावना का भी सेम है, मैं चलो मैं तो अपना किसी भी दिन प्लान बना सकती हूँ, तो इसलिए हम आज जा रहे हैं लाजपत नगर क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारे आउटफिट्स मिल जाते हैं। फहीम की शादी का जो ग्रीन वाला लहंगा ड्रेस था जो बहुत लोग पसंद करते हैं, जिसको मैंने आई थिंक 14,000 में लिया था, वो मैंने लिया था अंदाज लाजपत नगर शॉप से। आज मैं एक्चुअली ट्राई करूंगी शॉप का एड्रेस और नंबर ले पाऊँ, नंबर तो है मेरे पास पर एड्रेस जो प्रॉपर एड्रेस है वो ले लूँ और दे दूंगी, शायद हम उस शॉप पे भी जाएं। वहाँ पे 6,000 से अच्छे आउटफिट्स आपको मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे इतना सुंदर सा लिबास का पहना हुआ है, आई डोंट नो पर मेरा दिल कर रहा था मैं सूट पहनूं प्रॉपर, इसलिए मैं वही पहन रही हूँ और उससे थोड़ा सा से कंफर्टेबल भी लगता है। तो चलो रेडी होके निकल रहे हैं कामाक्षी, मैं और भाभी, और उसके बाद वापसी में मैं जाऊंगी सोनी भाभी के पास मिलने और घर भी जाऊंगी। कैसे हैं सब, टचवुड बच्चा और मम्मी दोनों भी ठीक है? तो हम लोग घर से निकल रहे हैं, बाहर ऑटो बुक किया है, आई डोंट नो वो आएगा कि नहीं आएगा, कई बार घर के बाहर आता ही नहीं है, और सीधा पहुंचेंगे हम लाजपत नगर मार्केट। आज तो ज़्यादा चेकिंग हो रही है किस वजह से डोंट नो, इसलिए हम गाड़ी नहीं लेके जा रहे हैं आज, ताकि हम जाम में ना फंसे रह जाएं। क्या 2468 बाहर ही खड़ा होगा? इतनी भीड़ लगी हुई है, शिट इतनी ज्यादा भीड़ है, मतलब हम सब मार्केट में एंटर कर रहे हैं, मतलब मॉडल भी नहीं पहुंचे क्योंकि अब ऑफिस की दिवाली में बहुत सारी इवेंट है, तो दिवाली की शॉपिंग में भी हो गए होंगे और शादियों का सीजन स्टार्ट हो रहा है, अभी 15 से स्टार्ट है दिवाली के जो 2 से 3 दिन है, तो इस वजह से बहुत भीड़ है। संडे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और इतनी भीड़ होगी ना को ये वाला लहंगा पसंद आ रहा है, सो वो ट्राई करके देखना चाहते हैं कि लगेगा कैसे उस पर, बढ़िया लग रहा है ऐसे कलर तो, मुझे देख के अच्छा लग रहा है। बाय द वे इस शॉप पे ना जितने भी आउटफिट्स हैं उन पे मोस्टली आपको 50% ऑफ मिल जाता है। दुपट्टा कैसा है, दुपट्टा तो देख ले। तो सबसे पहले हम लाजपत नगर के आए हैं इंसेंस के जो साथ में एक शॉप है, तो वहाँ पे आए हैं, यहाँ पे बहुत सारे आउटफिट, और मैंने शादी के टाइम पे भी यहाँ से काफी सारे आउटफिट बाय किए थे, तो सबसे पहले हमने सोचा कि यहाँ पे ट्राई करते हैं, और इस बार आए हैं तो बिल्कुल शॉप ही चेंज हो रखी है, इतने अमेजिंग कलेक्शन है, इतने सही प्राइजेस थे, हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ मिल जाएगा हमें। ये गाउन है क्या? अच्छा लहंगा चोली ही है ये भी। दिस इज द अंदाज शॉप तमराट और इंसेंस के बाहर सिमरन, सॉरी। ओके, तो यहाँ से लिया था मैंने फहीम की शादी का लहंगा, ठीक है देख लो अंदाज, लोग जो पूछते हैं मैंने दिखा दिया। ओके, तो मैंने आप लोगों को शॉप दिखा दी है, इनके पास और भी आउटफिट है, आप यहाँ पे आके देख सकते हो। कामाक्षी एंड भावना ने अपने आउटफिट्स ले लिए हैं, हम जा रहे हैं, मेरे को कोट लेना है विंटर्स के लिए, तो बाटला जा रहे हैं। दोनों ही कलर सुंदर लग रहे हैं, नहीं दोनों ही कलर सुंदर है, बताओ विच वन, दिस वन और दिस वन, शैम्पेन आई थिंक। हम आ गए हॉस्पिटल में अभी से मिलने, अब उनके चेहरे की खुशी देखा। मीनू तुम खुश हो? कितना खुश हो, खाने में बिजी हो? भूखू बेबी है, बहुत देर बार बार बैठ जा रही हूँ। देखो दादी कितनी खुश हो के खेल रही हैं, कितनी खुश हो के खेल रही हैं। मम्मी का तो खुशी का ठिकाना नहीं, एक के बाद एक मम्मी को गिफ्ट्स मिलते जा रहे हैं, गिफ्ट्स पे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, माशाल्लाह अल्लाह ने हमें बहुत सारे गिफ्टों से नवाजा। कल भी थोड़ी देर ही ले पाई थी, नानी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। हो सकता है बस बेटा, पहचानो पहचानो पहचानो, एकलौती बुआ जान, एकलौती क्या होती है, 10 के बराबर है, है तू तो एकलौती, वैसे सेम कत्ते यहाँ पे है भाई, क्या क्या पीस है, जीरो पेट में होते हैं, हमारा देखा
अब बोलो चुप हुआ वो तो मेरे भी भाई रो रही थी रूबी के पास में जब मैं आई ले ली भाई वो जानता है ये मेरी बुआ है इसके बराबर का तोल के लूंगी तुमसे इसीलिए तो कह रही हूँ बाप इनका माशाल्लाह 4 किलो वेट था यू आर वेरी गुड डीपली हॉट इतना वेट पेट में रखा था मम्मी हल्की हो गई होंगी बाहर लाते अरे बहुत कितना किलो बता रही है वेट था मतलब होने का मेरा 104 पहुंच गया था और अब कितना है फिर अब कितना अब ना पता 98 होगा समझ रही हूँ 4 किलो तो ये भी बाहर है पानी है फिर बहुत सारी चीजें हैं तो 98 तक होगा 94 हो गया है ओ बहन 8 किलो इतनी जल्दी श्रेड नहीं होता यार कम ऑन तौल दिया उन्होंने भाई चलो घर पे तोलूंगी मेरे पास 80 वाली आंटी सोनी भाभी की मम्मी यहाँ पे घर से बना के लाई है ये सॉर्ट के लड्डू जो कि डिलीवरी के बाद एक्सक्यूज मी तुम्हारे होंगे देसी गुड़ घी मेवा और सरस नहीं मेथी मेथी डलती है ना काजू बादाम सौंठ और हल्दी सौंठ और हल्दी लुक एट दिस हल्दी किसी दूल्हे को लगा दी जाए तो उसका रंग निखर आएगा सोनी भाभी को खिलाने के लिए हम सोच रहे हैं आंटी ने बहुत अच्छे बनाए ये देसी स्टाइल के और ये इससे ना बहुत तगड़ा हो जाते हैं जो बच्चा करती हैं लड़कियां जच्चा को खिलाया जाता है ना जच्चा को खिलाने के लिए लेके आई आंटी हमारी वाली जच्चे के लिए थोड़ा टाइम है आंटी अभी थोड़े दिन पहले ही एक बार और नानी बनी है तो उस जच्चा के लिए बनाए थे आंटी ने हाँ मम्मी ने तो खाए मजा है मम्मी को गाँव की याद आ गई हमारा लगा के रखा था इनका लगाएंगे पापा ये तो दुहात है पापा ये तो गलत बोल रहा है अमायरा की जगह कैसी कोई है ले सकता है ये सही है लेकिन ये है तुम एक काम क्यों नहीं करते मैं ना तुम्हें जितने तुम्हारे घर में बच्चे हैं मेरी वाली भी इंक्लूड कर सबका एक कोलाज बना देती हूँ ठीक है पापा ठीक है और सारे बच्चों का वॉलपेपर बना के लगा लो उसमें इसका भी हो जाएगा ठीक है आज ही बना दूंगी मैं हम आगे घर पे हम तो नहीं आप आगे घर पे मैं तो निकली नहीं हूँ घर से बाहर मुझे बड़ा मन है लोग मतलब बाहर दिवाली का टाइम इतना अच्छा डेकोर हो रहा होगा ना मजा आ रहा होगा ऐसे पुलिस वाले ऐसे आगे पीछे टच कर करके चेक कर रहे थे मतलब लेडीज पुलिस हाँ हाँ चेकिंग चल रही है लाजपत गई थी अच्छा हाँ वहाँ तो वैसे भी चेकिंग होती है ब्यूटीफुल लहंगा टुडे जो तुम देखोगी वहाँ पे जिस दिन शायद पहनूंगी आई एम नॉट श्योर क्यों जब लिया है तो तब पहनना बहुत फंक्शंस है हाँ पहना ही जाएगा सही है जाऊंगी क्योंकि स्टे नहीं कर सकती मुझे बहुत सारा काम है अपनी रूटीन में सेट होना है नहीं अल्लू 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 ये रोते रोते अपने आपको लाल काला सा लाल सब कर देती है इसका रंग ही चेंज होता रहता है शांत बच्चा शांत अच्छा टॉय ला के देती हूँ आगे ना अरे नहीं वो अब नहीं संभलेंगी आ जाओ मम्मा के पास चलते चलो ठीक है बस 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 नहीं मम्मा आज क्या हुआ ऐसा घर के बाहर एक छोटा सा ग्रीन मैट है मैं खड़ा था बड़ा पापा खड़े थे एक साथ ही भागी बड़ा पापा की साइड मेरी साइड से तो पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी उतर के वो ग्रीन कार्पेट रखा उसे पैर फिसला बाउंड्री पे रुकी है बिल्कुल गिरने से उन्होंने कार्पेट हटा के फेंक दिया फिसल के नीचे आती 6 फीट नीचे गिरती 6 फीट ग्राउंड में फिसल के कुछ खरीद के लाइए सरप्राइज ये मेरे लिए है ये बम्बू का मैं करूं क्या ये जल्दी बता दो इस बम्बू का मैं क्या करूं बम्बू का ही काम होता है ये बम्बू मयंक चलो सुबह उठ जाओ जिम जाना वो कहता नहीं बम्बू डाल के हिला दिया मयंक जिम जाना है फिर हिला दिया मयंक चलो खड़े हो जाओ मयंक बैठ ठीक कर दो ये मुझे लगा यार इसने बोला ग्रे 4 गोल मुझे लगा शायद मेरे लिए होडी होगी बम्बू चलो अच्छा चलो अब मेरे नाम पे अपने लिए कुछ ले आई है ऐसे ही होता है हर बार हम आदमी है हमारे साथ ऐसे ही होता है भाई ये लो मैं सुन लो दोनों ला ला जीगू के लिए भी कुछ लेके आई है देखो शायद ये कहां से अपने घर के पास लिया अभी जीगू के लिए सूटर
सूटर सूटर लाइए सूटर, इसे इसे स्वेटशर्ट ही करेंगे, स्वेटशर्ट ही बोलेंगे इसको, स्वेटशर्ट पहनेगा साले, तेरी जो उम्र हम बनियान में पल रहे थे। आए मेरा बच्चा, इसको ना बहुत परेशान करता हूँ, इसकी मैं एकदम असासिन वाली ट्रेनिंग कराऊंगा, इसको कमांडो वाली ट्रेनिंग, डेली पीटूंगा इसको, खेलूंगा इसको, ऐसा ट्रेन कर दूंगा। क्या करना चाह रही हो आप, क्या कर रही हो मायशा? पैर गर्म कर दियो, ब्लैंकेट को प्लेच कर लियो, नहीं प्रेस ऐसे अगर हो तो गर्म जल जाओगी, डोंट टच इट, गंदी बात, हाँ रखो गर्म को, ऐसे टच नहीं करते, ऐसे दूर हाथ से, इससे पकड़ो, हाँ स्टैंड पकड़ो, कर लो अब, चलो ठीक है, अब बाय बाय बोल दो सबको, कह दो मम, कह दो गुड नाइट, इधर देखो मायशा ने कलर लगा लिया, अभी खेल रही थी कलर, मायशा पता नहीं इसके बाल किस पे चले गए, इतने कर्ली बाल तो मेरे भी नहीं है, ऊपर से हल्के से स्ट्रेट है, अदरवाइज बहुत ही कर्ली बाल है इसके, मायशा बाय बोलो, बोलो गुड नाइट, इधर देख के बोलो, बोलो गुड नाइट, मायशा बोलो ना बेबी, बोलो गुड नाइट, हाँ कोई बात नहीं मैं हटा दूंगी, गुड नाइट बोलो, बोल दो सब्सक्राइब, हाँ इधर नहीं ऐसे, अच्छा ऐसे कह दो, कुतुबुआ, कुतुबुआ, बुआ, कातिबुआ, कांताबुआ, दादी, आई लव यू, लव यू, गंदा बच्चा ऐसे नहीं करते, अच्छा बोलो मम्मा सब्सक्राइब चैनल, बाय बाय गुड नाइट, लाइक दिस व्लॉग, बोलो लाइक दिस व्लॉग, इधर देख के बोलो ना, लाइक दिस व्लॉग, बोलो लाइक दिस व्लॉग, सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय, मैं दुआ करती हूँ सब ठीक।